गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जन ज्वार। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हर रोज देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हम लोग पानीपत की शहरी सीट पर हैं और दो दिन बाद यहाँ 21 अक्टूबर को चुनाव है। ये सलार जंग गेट है, ये पानीपत का ऐतिहासिक गेट है और यहाँ से सब्जी फल मंडी है और पूरी चारों तरफ मंडी है। यह जो मंडी में उदासी दिखाई दे रही है या दुकानों पर भी दिखाई दे रही है, लेकिन चुनाव है, वोट तो पड़ेंगे ही। आइए हम थोड़ा दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं कि मंदी की हालत है, वोट किसको देंगे, कौन सी पार्टी इन्होंने चुनी है, किस पार्टी के समर्थक हैं। भाई साहब, बिक्री कैसी चल रही है आपकी? बिक्री बहुत मंदी है जी। मंदी है मतलब क्यों, कब से मंदी चल रही है? ये बस सर्दियों में मंदी चल रही है, हमारे फ्रूट का सर्दी सर्दियों में मंदी रहता है। भाई मंदी हो गया, एक साल हो, डेढ़ साल हो गई, फ्रूट का कोई हाल नहीं है, सारा काम मंदा है इस टाइम। डेढ़ साल हो गए? हाँ जी। तो वोट आप लोग किस पार्टी को इस बार दे रहे हैं इस मंदी से उभरने के लिए, अपनी बेहतरी के लिए? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे। ओ, सुबह से कितनी की बिक्री हुई बेटा? 200-250 की बिक्री हुई, तो उसमें बचत कितनी हो जाएगी? 100 रुपए ही होगी। 250 में 200 रुपए की बचत भी हो जाएगी? ऐसा क्या बेचते हो तो? पेंटर लगता है। हाँ, बिक्री कैसी चल रही है फलों? फिलहाल तो सर मंदा हो रहा है, लेकिन ठीक है, दुकानदारी मंदी है ये देखो। वहाँ यहाँ से लेके वहाँ तक दिखाना चाहेंगे, आप दिखाइएगा जरा, यहाँ से लेके वहाँ तक कोई कस्टमर आपको दिखाई दे रहा हो तो देख लो। इस टाइम त्योहार का टाइम है और त्योहार के टाइम में कस्टमर नहीं है बिल्कुल भी। हम इसी सीजन में रहते हैं कि 4 पैसे हम जोड़ लेंगे या बचा लेंगे, लेकिन इस साल इस बार ऐसा हालात होने कभी जिंदगी में नहीं देखा। आज मेरी उम्र 35 साल है, 35 साल में अगर मान लो 20 साल 15 साल हमने काम करते शुरू हुए हैं ना, लेकिन आज तक ऐसे हालात नहीं देखा जितने इस बार बदतर हालात देख रहे हैं। इस बदतर हालात के बावजूद लोग मोदी फिर क्यों कर रहे हैं? देखो जी, इसमें हम मोदी क्यों कह रहे हैं मुझे यही समझ नहीं आ रही। बाकी ये कहते हैं जिन्होंने वोट दिया वो भी बढ़िया, जिन्होंने नहीं दिया वो भी बढ़िया। बाकी लोगों को अपने पेट के लिए सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो आजकल लोग पेट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिमाग मन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मन पे जो ध्यान दे रहे हैं, अब हालात दिखाई दे रहे हैं, बाजार में जाएंगे तो आप अब वो दिमाग से ही बोलेंगे कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना। क्या सब तरह के फलों पर मंदी है या कोई खास तरह के? हर चीज की मंदी है, तेजी की बात की आई है। ये कह रहे हैं मंदी है, आप फल कितने दिन रोज खरीद रहे हैं? बिल्कुल खरीद रहे हैं बच्चा। तो मंदी नहीं है? नहीं, मंदी तो है, लेकिन जिसका डेली वेज का काम है वो तो उस हिसाब से अपना नहीं। तो आप चला रहे हैं, मतलब मैं जिन भी फल के दुकानदारों से मिल रहा हूँ या दूसरे दुकानदारों से, सब ये मान रहे हैं कि बाजार में मंदी है पूरी स्थिति। तो ये बताइए कि आखिर मंदी अगर है तो उसका असर कहाँ हो रहा है? असर उसका मार्केट के ऊपर है, ऊपर है। लोगों के पास इतना काम धंधा नहीं है, तो आप उसको जो काम धंधा होता था वो बीजेपी की वजह से काम खत्म हो चुका है मार्केट से, जो छोटे मोटे रोजगार थे वो खत्म हो चुके हैं। मंदा भी है और लोग खुश भी हैं, ये क्या चक्कर है जरा बताइए? अगर गमी में जिए तो तभी वो है, खुशी में जिए तभी जीना ही है। लोग कह रहे हैं त्योहार के बाद मंदी खत्म हो जाएगी, ये कैसे होगा? त्योहार के बाद मंदी खत्म नहीं होगी। हाँ, सरकार चेंज होगी जल्दी खत्म होगी मंदा। चलिए, ये भी एक दुकानदार है, ये त्योहार के बाद मंदी कैसे खत्म हो जाएगी? सर, त्योहार में तो मंदी और कम होनी चाहिए। सर, कोई खत्म नहीं होनी, ये तो बस हम कह रहे हैं ये अपने अपने मन के बात है कि कोई मंदी खत्म हो जाएगी। ये तो जिस दिन कोई नया सरकार आएगी तभी ये कुछ हो पाएगा, इससे कुछ नहीं हो पाता। ये पानीपत का सलार जंग गेट है और आप देख सकते हैं कि दुकानें की ग्राहक कितने हैं। चुनाव का वक्त है, दीपावली भी है, अब इससे ज़्यादा बिक्री का कोई साल में वक्त नहीं आता है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, खरीदारी का त्यौहार है। इन दुकानों में जरा देखिए कितने ग्राहक दिखाई दे रहे हैं, इन दुकानों को देखते चलिए बारी बारी से। ये सलार जंग है पानीपत का, जो कि सबसे प्रचलित बाजार है, सबसे बड़ा बाजार है। इन बाजारों में जरा ग्राहक देखिए, इन दुकानों में झांकी। अभी हमने आपको फल की मंडी दिखाई थी, अब इसे देखिए कितने ग्राहक हैं इन दुकानों में। जी बताएं। भैया कह रहे थे कि मेरा मूड बहुत खराब है। हाँ। तो धंधे देख के कम नहीं है। हाँ। भैया यही कह रहे थे जी। मार्केट अभी उठाव पर धीरे धीरे है, पहले स्टेप पे रहे, अभी चुनावों के कारण थोड़ा सा मार्केट मंदी चल रही है। लेकिन चुनाव से दीपावली है सर, दीपावली में अगर मार्केट नहीं उठेगा तो कब? सर, अभी दीपावली को कुछ दिन पड़े हैं, जब तक दीपावली नहीं आती इससे पहले चुनाव है, चुनावों के बाद फ्री होते ही फिर मार्केट में एकदम अच्छा उछाल है। चलिए, ये उम्मीद की जानी चाहिए आपका, मतलब ये सरकार की पॉलिसीज में दम नहीं है, जीरो पॉलिसीज हैं, जीरो वर्क है, काम बहुत ज़्यादा डाउन है। नहीं,
फेल हो गया, जीएसटी की वजह से जीएसटी भी फेल हो चुकी है। जीएसटी की वजह से तो लोग कह रहे हैं कि जीएसटी से केवल चोर ना खुश हैं। आप लोग चोर दुकानदार नहीं सर, तो ये जनता कहती रहती है राह चलते, इनको थोड़ा समझाइए मिलजुल के। जीएसटी और नोटबंदी दोनों स्कीम फेल हो चुकी है। वो पॉलिसीज जो आई नोटबंदी और जीएसटी की, वो दोनों पॉलिसीज जीरो हो गई, उनका कोई मतलब समाधान नहीं निकला कह लो, या वो पॉलिसीज कामयाब नहीं हुई। इतनी ज्यादा मंदी है, क्या है मार्केट का हाल देखो। मेरे पास एक वीडियो है, वो हमारे सामने शॉप है अमन के नाम से, व्यापार इतना मोटा काम होता था, पता नहीं आज वो काम ही नहीं है। नहीं तो जनता कह रही है कि मतलब क्यों मंदी नहीं है या क्यों हो गई मंदी, या ये तो पता नहीं, पर इतना पता कि मंदी बहुत ज्यादा है। मंदी हुई कैसे? इतना पता कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जीएसटी का झटका, पहले इतना लगा कि नोटबंदी का उससे डबल हो गया, दो झटके इकट्ठे लगे थे। लेकिन जनता कहती है जो चोर हैं उनको दिक्कत है नोटबंदी और जीएसटी से। आप लोग एक बात कहो, ये चोर है वही इतने सालों से बैठे आपसे पूछ रहा है, ये चोर है भाजी, इतने सालों से बैठे ये लगा। आप अपनी ईमानदारी बताइए, वाला भाई बैठा है इसकी टिकट कितनी बिकती है देखो, ये चोर थोड़ी ना भाजी, टिकट तो बेच रहा जरा। ये जनता और भाजी देखो मंदी का, ये देखो ये पूरा बाजार खाली था दोपहर के समय, ये दिखा दीजिए पूरा समय था दोपहर को बाजार खाली,